हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपके पास इन्फिनिक्स नोट 30 या फिर इन्फिनिक्स का कोई भी फोन है और आप चेक करना चाहते हैं कि आपका फोन ओटीजी सपोर्ट करता है या नहीं करता है, फिर क्या सेटिंग्स आपको इनेबल करनी पड़ती है अगर आप ओटीजी कनेक्ट करना चाहते हैं। तो वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग लेकर आ चुके हैं। तो गाइस, मेरे पास ये पेन ड्राइव है, इसको मैं कनेक्ट करने वाला हूं अपने फोन के साथ और देखते हैं कि क्या हमको कोई सेटिंग इनेबल करनी पड़ेगी या फिर हमारा ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट कर लेगा। तो गाइस, मैंने अपने फोन के साथ कनेक्ट कर लिया है। जैसे ही मैं इसको कनेक्ट किया, इसने तुरंत मेरे को एक सेटिंग दे दी, इनेबल ओटीजी। तो आपको गो टू सेटिंग में जाना पड़ेगा और यहाँ से गाइज आपका ओटीजी जो गाइज आपको इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, बस आपको कनेक्ट करना है, उसके बाद गाइज ये ऑटोमेटिकली आपको भेज देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो गाइज यहाँ से हमने ओटीजी कनेक्ट कर दिया। अब गाइज यहाँ पर हमको डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमको पॉपअप दे देगा जहाँ से हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो अभी तक तो मेरे को इसने कहीं भी नोटिफिकेशन नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पे गाइज ओके, इसने नोटिफिकेशन मेरे को दे दिया है नीचे की तरफ। तो गाइज यहाँ पे यूएसबी फाइल मेरे को मिल चुकी है, यहाँ से मैं इसको एक्सप्लोर कर लूँगा या फिर मैं इसको इजेक्ट कर लूँगा, लेकिन मैं इसको एक्सप्लोर पर क्लिक कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ से मैं इसको एक्सप्लोर पे क्लिक किया है, अब देखते हैं गाइस ये मेरे को ले जाता है फिर नहीं ले जाता है। तो अभी तक तो लेके नहीं गया गाइस ये सेटिंग के अंदर मेरे को। वापस इस पर मैं क्लिक करता हूँ गाइस। ठीक है, और ओके, तो गाइस यहाँ पे मेरे को ये ओटीजी के अंदर ले आया। तो गाइस मेरा फोन बहुत अच्छे से काम करता है, आपका फोन ओटीजी आपका सपोर्ट करता है और इस तरीके से आप अपने फोन के अंदर ओटीजी इनेबल कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब। अगर आप ये फोन ओटीजी के काम से ले रहे हो तो ले सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।